देशभक्ति पर किसी का स्टैंप नहीं होना चाहिए, देशभक्ति किसी की जागीर नहीं होनी चाहिए। हर वो शख्स जो इस मिट्टी को अपनी माता मानता है, जो दिलो जान से अपने देश पर प्यार करता है, जो अपनी आंखों में देश को बलशाली बनाने का सपना रखता है, वो हर शख्स देशभक्त है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप ही देश की जय जयकार करें। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवराय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, सभी मान्यवर नेतागण, समय की कमी होने के कारण सभी मान्यवर नेतागण, और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी का परचम लहराने की उम्मीद हमेशा बुलंदी पर रखने वाले आप सभी जन, सभी को जय शिवराय। आज राष्ट्रवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देश की राजधानी दिल्ली में संपन्न हो रहा है, और इसके आयोजन के लिए मैं राष्ट्रवादी युवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा और विद्यार्थी की अध्यक्षा सोनिया दुहान दोनों का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि यह अधिवेशन महत्वपूर्ण है, यह अधिवेशन का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि देश अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना चुका है, और सरकारी भाषा के अनुसार हमने अमृतकाल में प्रवेश किया है, और इस अमृतकाल में प्रवेश करने का जितना आनंद होना चाहिए उतना ही होना चाहिए जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी अमृत महोत्सव से शताब्दी महोत्सव तक देश को ले जाने की जिम्मेदारी, देश को विश्व की महासत्ता बनाने की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी जितनी बुजुर्गों के अनुभव आधारित मार्गदर्शन पर निर्भर है, उतनी ही निर्भर है युवाओं के जोश, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निरंतर देश प्रेम पर। और इस जिम्मेदारी की राह पर चलते हुए हमें इतिहास का अध्ययन, वर्तमान का अवलोकन और भविष्य का चिंतन करना होगा। अगर देखा जाए तो क्या है देश का आलम, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस पर हर भारतीय को गर्व है, उस लोकतंत्र की आज क्या परिस्थिति है? लोकतंत्र के चार स्तंभ माने जाते हैं, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन जब भी कोई देश निरंकुश सत्ता की ओर बढ़ता है, तब न्यायपालिका और प्रशासन पर दबाव आना स्वाभाविक है, और ऐसे हालात में जिम्मेदारी बढ़ जाती है शासन और मीडिया पर। लेकिन आज देश में देखा जाए तो शासन दिन ब दिन प्रतीकवादी बनता जा रहा है और मीडिया प्रतिक्रियावादी। फिर आप पूछेंगे, ऐसे हालात में आवाज क्यों नहीं उठाई जाती इसके खिलाफ? मेरे ख्याल से फिल्म शोले का डायलॉग सभी को याद होगा, दूर किसी गांव में अगर बच्चा रोता है तो मां उसे कहती है, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। आज देश में कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी मीडिया किसी भी मुद्दे पर अगर आवाज उठानी चाहती है तो मां नहीं कहती, अपने आप आवाज कान में गूंजने लगती है, भाई चुप हो जा वरना ईडी या सीबीआई का रेड आ जाएगा। भाइयों, मजाक की बात छोड़िए, लेकिन वास्तविकता, आज देश की वास्तविकता यह है कि देश की बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाकर देश की जनता का ध्यान कुछ चंद प्रतीकों पर केंद्रित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप हमें हर घर तिरंगा लगाने के लिए कहे या आप राजपथ का कर्तव्य पथ करें, एक भारतीय होने के नाते हमें भी इन बातों पर गर्व है, लेकिन उसी के साथ उसी तिरंगे के प्रति कर्तव्य पथ पर चलते हुए आपकी देश को, जनता को जवाब देना होगा कि देश में आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर क्यों है, क्यों देश में आज हर 6 भारतीयों के पीछे एक भारतीय बेरोजगार है, क्यों देश में आज महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में इस सरकार को बस हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहके चुन के दिया था, लेकिन 14 से 22 तक पेट्रोल के दाम 100 के पार होने लगे हैं, गैस सिलेंडर 410 से 1000 रुपए पार कर चुका है, कुकिंग ऑयल 80 रुपए से 180 रुपए हो गया है। तो सरकार को यह जवाब देना होगा कि देशवासियों की कमर तोड़ने वाली इस महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं।
आपने युवाओं से वादा किया था सालाना 2 करोड़ रोजगार आएंगे, किसानों से वादा किया था किसानों की आय दुगनी होगी, क्या हुआ इन वादों का? हमारे अतुल बेनकी जी बैठे हैं, आज महाराष्ट्र में प्याज किसान को 8 से 10 किलो रुपए के दाम में बेचना पड़ रहा है, जबकि उसकी लागत का खर्चा 18 से 20 रुपए किलो है। हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन हटा के एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, लेकिन सरकार के कानों तक देश के किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही। और इन सब बुनियादी समस्याओं को छोड़कर एक अलग ही बात की चर्चा आजकल देश में हो रही है, और वो है हिंदुत्व। हर किसी को अपने धर्म पर अभिमान होना, गर्व होना लाजमी है, और क्यों ना हो। हाँ, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व से परहेज क्यों करूं, लेकिन उसी के साथ हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व का मतलब क्या है, यह भी देशवासियों को बताना जरूरी है। क्योंकि सर्वधर्म सहिष्णुता की जीवन शैली हिंदुत्व है। संत ज्ञानेश्वर माउली का जोजे वांछील तोते लाहो, ये तत्व ज्ञान हिंदुत्व है। जगत गुरु तुकाराम महाराज का भले तेरी देव कासेची लंगोटी नाथाड़ाचा माथी हाणू काठी, ये सीख हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद की शिकागो के सर्वधर्म परिषद में किया गया भाषण यह हिंदुत्व की परिभाषा बताता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व माता और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च त्याग के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन अगर धर्म के नाम पर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता हो, फिर वो कोई भी धर्म हो, वो हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमें इसका पुरजोर विरोध करना होगा। हमें आगे होकर देखना होगा कि धर्म से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता दी जाए। धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करने वाले हर एक व्यक्ति से हमें पूछना होगा कि देश के युवाओं के हाथ में वो पत्थर और तलवार देना चाहते हैं या फिर रोटी और रोजगार। और इस बात को गंभीरतापूर्वक लेना होगा, क्योंकि अगर हमें हमारे देश को विश्व की महासत्ता बनाना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एकमात्र विकल्प है। आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में युवा खास करके ये बात अपने जहन में डाल ले कि आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में तलवारों और बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हर तबके के आर्थिक विकास से ही देश विश्व की महासत्ता बन सकता है। अभी इकोनॉमी 5th पोजीशन पे जाने की बात की, लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी जाके 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है। और जो देश अरुणाचल प्रदेश से लेके नीचे श्रीलंका के हम्बोटाटा बंदरगाह तक तीनों तरफ से अपने देश को घेर के हमें लाल आंखें दिखा रहा है, उस चीन की इकोनॉमी $12 ट्रिलियन है। लेकिन जब भी देशभक्ति की बात आती है तो सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाती है। हाँ, हमने पाकिस्तान को 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध में धूल चटाई है और आगे भी उन्हें मसलने का दमखम हम रखते हैं, लेकिन भविष्य का असली खतरा चीन से है। और इसलिए हमें नफरत की राह छोड़कर निरंतर विकास की राह पर चलना होगा, क्योंकि कोई भी अशांत या युद्धमान देश निरंतर विकास की प्रक्रिया नहीं चला सकता। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो देश पिछड़ जाएगा, और किसी भी सच्चे देशभक्त को अपना देश पिछड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सोचना होगा, युवा के हाथ में धर्म के नाम पर तलवार देनी है या उसी युवा के हाथ में देश हित के नाम पर रोजगार देना है। और ऐसी परिस्थितियों में देश के लिए मार्गदर्शक है छत्रपति शिवाजी महाराज का तत्व। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने इस भारतवर्ष में एक उदाहरण प्रस्थापित किया था कि राज सत्ता कभी भी धर्म सत्ता के अधीन नहीं होनी चाहिए, राज सत्ता कभी भी धर्म सत्ता के अधीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमें मार्गदर्शक है महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और राजर्षि शाहू महाराज के विचार। महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जाति व्यवस्था नष्ट करने का प्रयास किया, उन्होंने मां बहनों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। राजर्षि शाहू महाराज ने समताधिष्ठित मूल्य इस देश को दिया, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया, देश को संविधान दिया।
हमारी जनरेशन ने ना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को देखा है, हमारी जनरेशन ने महात्मा फुले को देखा है और ना ही राजर्षि शाहू महाराज को देखा है। लेकिन जब भी सूर्यास्त होता है तो एक जलने वाली मशाल इस उम्मीद को कायम रखती है कि हां, रोशनी से अंधेरे पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमने इन महापुरुषों को नहीं देखा, लेकिन इनके विचारों पर जलने वाली, इनके आदर्शों पर चलने वाली एक मशाल को हिंदुस्तान की राजनीति ने 55 सालों से देखा है, और वो मशाल है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। और इस मशाल की रोशनी में हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, डगर मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आज जिस बीजेपी की ताकत के बारे में सब बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, ये बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। 1984 में उस पार्टी के मात्र केवल 2 सांसद थे, और 39 सालों बाद 2019 में उस पार्टी के 303 सांसद हुए। उनके नेताओं का अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किया हुआ प्रयास या संगठन के हेतु मेहनत, इसका योगदान उसमें जरूर होगा। लेकिन बताने का उद्देश्य यह है, 39 साल बाद वो ताकत बनने की सोच रहे, अभी तो एनसीपी को गठित हुए सिर्फ 22 साल हुए, अभी भी देश हमारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। सिर्फ जरूरत है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। जरूरत है फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की, क्योंकि हमारी मुट्ठी में अनुभव का आसमान है, हमारे पंखों में जान है, बस उड़ान भरने की देर है। इसलिए देश के युवाओं से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से इतना ही कहूंगा, उड़ान भरो तो ऐसी भरो कि आसमान भी देखता रहे, उड़ान भरो तो ऐसी भरो कि आसमान भी देखता रहे, गिरना भी है तो ऐसे गिरो कि कोशिश भी प्रशंसा करे, लड़ना है तो ऐसे लड़ो कि जीत भी अभिवादन करे, और जीना है तो ऐसे जियो कि राष्ट्र आप पर गौरव करे। और अंत में इतना ही कहूंगा, देशभक्ति पर किसी का स्टैंप नहीं होना चाहिए, देशभक्ति किसी की जागीर नहीं होनी चाहिए। हर वो शख्स जो इस मिट्टी को अपनी माता मानता है, जो दिलो जान से अपने देश पर प्यार करता है, जो अपनी आंखों में देश को बलशाली बनाने का सपना रखता है, वो हर शख्स देशभक्त है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप भी देश की जय जयकार करें, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।